ये जो गन है, ये जो पहले हमारे पास रशियन गन था 130 mm गन, उसका अपगनिंग हुआ है। अभी उसको 155 कैलिबर गन बना दिए हैं, जो स्टैंडर्ड नाटो कैलिबर होता है। तो इट इज़ ए वर्ल्ड क्लास गन, 155 कैलिबर। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इसका अपगनिंग जो है इंडिजिनस हुआ है। जो GCF ये ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट में GCF वन द कॉन्ट्रैक्ट एंड GCF अपगनिंग कर रहा है, यही हमारा VFJ और GCF में अपगनिंग हो रहा है। एंड देर आर अराउंड 300 गन्स जो अपगनिंग इधर ही होगा। एंड विथ दिस अपगनिंग वी विल बी एबल टू फायर लॉन्गर रेंजेस। ठीक है, जो अभी अर्लियर जो था अराउंड 27 किलोमीटर्स, सो नाउ वी कैन फायर अप टू 39 किलोमीटर्स। ठीक है, सो दैट इज़ द एनहेंसमेंट ऑफ रेंज विच वी बीन एबल टू अचीव बाय द अपगनिंग। एंड इट इज़ एंड द मोस्ट मैटर ऑफ प्राइड इज दैट इट इज़ बिन कम्प्लीटली इंडिजिनस। द होल अपगनिंग इज बिंग डन बाय इंडिजिनस। ये और धनुष आर द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर कंट्री। धनुष इज अ कम्प्लीटली न्यू गन। धनुष इज ए वन इट इज़ ए अपग्रेडेड, जो अब हमने बफोर्स खरीदा था उसका अपग्रेडेड वर्जन हमने बनाया है धनुष में। एंड धनुष इज मतलब कम्प्लीटली इट इज़ डेवलपमेंट, हमने GCF ने पूरा खुद ही डेवलपमेंट किया है। GCF और ODC जो है उन्होंने इसको पूरा डेवलप किया है स्क्रैच से। जो हमें TOT मिला था पहले बफोर्स के टाइम, उसी TOT से हमने और अपगनिंग किया है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपगनिंग किया है। और धनुष अगेन विल बी द मेन स्टे एंड बहुत अच्छा गन है। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर दोनों धनुष और सारंग यहीं पर ही बन रहा है। GCF आपने चार टेस्टिंग की है, कितना ये है? दिस इज़ दी इंटीग्रेटेड IFC जो कहते हैं, इंटीग्रेटेड फायरिंग चेक्स का फायरिंग था ये। अलग अलग जो एलिवेशन में हम फायर करते हैं, मेनली 0 और 45 डिग्री में, टू सी कि कितना रिकॉयल होता है। बिकॉज इसी अभी आपने देखा होगा इस गन पे क्रू बैठ के नहीं फायर किया था। सो वंस इट इज़ क्लियर्ड एंड सेफ दैट द रिकॉयल लेंथ या रिकॉयल का जो आपका प्रेशर है वो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट है, तभी अभी इस पर क्रू बैठ के फायरिंग किया, क्योंकि लड़ाई में इस पर क्रू बैठ के ही फायर करेंगे। और वही आज सक्सेसफुली बोथ एट 0 डिग्री एंड 45 डिग्री वी हैव सीन इट एंड इट हैज़ क्लियर द IFC इंटीग्रेटेड फायरिंग चेक्स हैज़ बिन क्लियर्ड। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 45, मैक्सिमम 45 डिग्री। सर कब तक आर्मी में इंटेक्ट? हमारा प्लान है फर्स्ट 18 गन्स बाय मार्च 31st, द फर्स्ट 18 गन्स शुड बी, द फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ सारंग शुड बी रेडी। दैट इज आवर टारगेट एंड लेट्स सी, वी आर वेरी होपफुल वी विल बी एबल टू मीट दैट टारगेट। आप सेटिस्फाइड हैं टेस्टिंग? हाँ, टेस्टिंग इज सेटिस्फाइड। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ये जो सेम टेस्टिंग जो आज यहाँ पर वैलिडेट किए हैं, ये इससे पहले इटारसी में होता था। सो अभी इससे जो यहाँ पर देखो गन बन रहा है इधर VFJ और GCF में, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अगर इधर हो गया है सो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। अभी क्या है, वो पहले गन जाता था उधर, टेस्टिंग इटारसी में होता था, फिर कानपुर जाता था, फिर वापस यहाँ आता था। सो इट इज़ टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, सो देर बी अ लॉट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम। LPR में मेनली दी अपग्रेडेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन ब्रिगेडियर राउत विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ वॉट ही इज़ डन, बट द मेन थिंग इज इट इज़ द फुल क्रेडिट गोज टू ब्रिगेडियर राउत एंड इट इज़ विथ हिज एफर्ट दैट वी हैव बीन एबल टू अपग्रेड द LPR फॉर द प्रूफ फायरिंग एंड द IFC फायरिंग ऑफ सारंग। और सब्सिक्वेंटली ये धनुष भी यहीं पर ही होगा। अभी धनुष जैसे हम लोग बाहर भेज रहे हैं इटारसी ओब्लिक पोखरण ओब्लिक बालेश्वर, बट वो भी यहाँ पर होगा। सो दैट विल बी ए बिग सेविंग टू द गवर्नमेंट एंड द होल क्रेडिट आई विल अगेन वॉन्ट टू इंसिस्ट, द होल क्रेडिट गोज टू द टीम ऑफ LPR अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिगेडियर राउत। इट ये नहीं कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वगैरह किया गया है, द सेम थिंग ही हैज टेक्निकली अपग्रेडेड इट। इट इज़ द सेम प्लेस जो LPR आज से नहीं है, इतने सालों से है। एंड सिंस विथ हिज एफर्ट एंड टेक्निकल लाइक ही टोल्ड ARD से कॉन्टैक्ट किए, इसको वैलिडेट किए, एंड टुडे ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट वी हैव बीन टू फायर डू द IFC ऑफ सारंग हियर सक्सेसफुली। अभी 155 कैलिबर बैरल हो गया है, सो इसलिए रेंज बढ़ रहा है।
बैरल का लेंथ बढ़ा, आपने जो 130 कैलिबर है रशियन जो हमारे पास मेन स्टे गन था, सो बैरल का लेंथ भी बढ़ा है, कैलिबर भी बढ़ा है, इसीलिए हमें रेंज ज़्यादा मिल रहा है। जैसा कि आपको बताया ये 130 mm पहले गन हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 155 mm गन बनाया गया। इसमें मेन कहते हैं इस गन का फ़ायदा क्या है, 155 का ये नेटो एमिनेशन सारा फायर हो सकता है, साथ ही साथ हमें नई रेंज मिल रही है जो कि इन्हांस्ड है, रेंज अब बढ़ गई है, जो पहले हम 27.5 के आसपास होते थी रेंज, अब वो जा रही है तकरीबन 39 किलोमीटर्स। और पूरा अपगनिंग ये इसका प्रोसेस जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो ये कहते हैं पहले ये गन बनाई जाती थी बाहर से, अब हम खुद ही बना रहे हैं और यहीं पे GCF और VFGM है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत ये गन का अपगनिंग हो रहा है। पहले ये एक नया कहते हैं एक्सपीरियंस था, लेकिन OFB ने बहुत प्लान करके ये टीम बनाई, और व्हीकल फैक्ट्री अपना VFJ जो है, जो कि पहले केवल व्हीकल बना रहा था, अब वो गन भी बना रहा है, उन्होंने एक पूरी अपनी एक कोर टीम बनाई, वो टीम को हमने हेल्प करा ट्रेनिंग में, और एक बार जब वो ट्रेन हो गई तो ये आपके सामने गन है जो सक्सेसफुली फायर करी है। सर रेंज ऑफ बोथ द गन्स आर सेम, किस किस की नहीं, दोनों में अंतर है, उसमें कहते हैं वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक है और उसमें काफ़ी चीज़ें एडवांस्ड हैं, इसमें 130 को ही यूज़ करा गया है और 130 में हमने बैरल अपग्रेडिंग करी है। मतलब इसमें बैरल अपग्रेडेशन भर है? हाँ जी, बैरल रिकॉइल सिस्टम ये सब उससे रिलेटेड। अभी पहले क्या होता था ये राउंड मैन्युअली हम लोड करते थे, अभी हमने कहते हैं उसके लिए एक रैमर लगा दिया गया है, तो वो बटन दबाने से ही वो पूरा राउंड चैम्बर में लोड हो जाता है। पहले 130 mm गन थी, अब ये 155 mm गन है, बैरल की लेंथ बढ़ गई है, इसमें कहते हैं लोडिंग कैपेबिलिटी जो कि पहले मैनुअल होती थी, अब उसको हम पावर रैमर बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। सिंस पावर रैमर के थ्रू ये रैमिंग हो रही है, तो रैमिंग फास्ट है, रैमिंग फास्ट होने के कारण राउंड फायर भी जल्दी होता है, प्लस एमिनेशन सिस्टम है जो कि हम कहते हैं 155 वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा लेथालिटी मिलेगी और ज़्यादा रेंज मिलेगी, तो ये हमारी कहते हैं एडवांटेज के लिए।